गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने 11 बजे से, और आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे आज ये जो टीवी स्टैंड है, टीवी केस, शोकेस, जो भी आप समझ सकते हैं, उसी को मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज इसी की क्लीनिंग करनी है, और पीहू यहाँ पे देखिए मस्ती कर रही है, खेल रही है। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम तीनों लोग ही, मतलब पीहू भी बहुत मस्ती कर रही है, और मैं और पीहू के डैडी सब लोग मिल करके यहाँ पे क्लीनिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से सारा सामान जो रखा था वो हटा दिया है, भगवान का मंदिर भी हटा दिया है। मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ करूँगी, धुलूँगी, सारे भगवान को नहला करके तब उसके बाद फिर से सेट करूँगी। और यहाँ पीहू को देखिए बार बार ऊपर चढ़ जा रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ कि मत चढ़ो, मगर उसको बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब करने में। तो हम लोग पहले सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से, इस तरह करके मिल के कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वर्मा जी ने टीवी को उठा रखा है, उसके पीछे बहुत डस्ट हो गई थी, तो वही हम लोग यहाँ पर मिल करके पूरा क्लीन कर रहे हैं। तो कल आपने देखा था हम लोगों ने अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, सारी वॉल्स क्लीन की थी। तो आजकल मैं अपने घर में डीप क्लीनिंग, आप समझ सकते हैं, वो मैं कर रही हूँ एक एक करके। ये जो कमरा है इसकी सारी वॉल्स क्लीन हो चुकी हैं, और जो टाइल्स हैं वो भी हम लोगों ने क्लीन करी है। तो इस तरह करके हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है कि घर इस तरह से डीप क्लीन नहीं हुआ है, और पेंट हम लोग नहीं कराए हैं, क्योंकि ये दूसरे का घर है, हम लोग यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं इसीलिए। तो बस वो देखिए मैं भी ऊपर चढ़ के पहले सूखे कपड़े से सारी डस्ट हटा रही हूँ, और पीहू को देखिए यहाँ पे मस्ती कर रही है, वो लेके आ गई है अम्ब्रेला और उससे खेल रही है। अभी मैं लेके रख दूँगी वरना वो टूट जाएगा, तो बच्चों को क्या पता, बच्चे तो बस मस्ती करने में ही लगे रहते हैं। तो ये देखिए मैंने पीहू से भी छाता ले लिया है, और चलिए कर लेती हूँ क्लीनिंग। यहाँ देखिए मैंने जो पेंटिंग थी वो भी क्लीन कर दिया है। थोड़ी थोड़ी दिन में पोछती रहती हूँ, बट हो रहा था, मेरे हाथ पे कपड़ा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पोछ ही देती हूँ उसे भी, पेंटिंग को भी। और यहाँ पे देखिए पीहू भी क्या कर रही है, उसको मैं कह रही हूँ हट जाओ बेटा गिर जाओगे अब स्टूल से, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तो मैंने टैडी उसका पीछे फेंक दिया कि चलो अब ये पीछे चली जाएगी, तो जाएगी टैडी लेके फिर आ जाएगी अभी, आप देखिएगा। और अभी तक का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहना चाहती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी समोसे की रेसिपी, तो समोसा देखने के लिए ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, वो आपको एंड में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी तो बस क्लीनिंग चल रही है सुबह की, और सुबह की क्लीनिंग तो मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है, नहा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर से अभी यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ हम लोगों का टीवी स्टैंड जो है पूरा क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ है। मैंने मंदिर भी वहाँ पर रख दिया है, सेट कर दिया है। तो क्लीनिंग व्लीनिंग हो गई थी, फिर हम लोगों ने लंच कर लिया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वही रोज़ रोज़ सादा खाना क्या दिखाऊं आपको, तो वो सब नहीं मैंने रिकॉर्ड किया। अभी शाम हो गई है, और यहाँ पे हम लोग जो पीहू को गिफ्ट दिया था हम लोगों ने, वो यहाँ पे बना रहे हैं। तो 4 बज रहे हैं शाम के, और जो ये गेम था ना उसके बर्थडे में दिया था, ये वही है। तो डैडी से वो बोल रही थी डैडी आप ये बनाइए बनाइए, तो हम लोग वही यहाँ पर उसके लिए हाउस क्रिएट कर रहे हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा हाउस बना है।
है और बच्चों को देख करके भी बहुत अच्छा लगेगा, इवन बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। जब इसका आउटकम अभी आप फाइनल देखेंगे ना, तो वो बहुत ही सुंदर सा हाउस बना है, अभी मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग भी इस तरह से अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं पज़ल्स, तो ज़रूर लीजिएगा। हम लोग तो ये ट्रेन में एक दिन कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो कोई बेचने वाला आया था, तो उसी से हम लोग ने लिया था। बट मैंने देखा है कि ये डी मार्ट में भी मिलने लगा है, तो आप लोग चाहें तो आप लोग अपने बच्चों के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। वही तो मैं कह रही हूँ। हाँ पीयू, ये डैडी क्या बना रहे हैं? किसका हाउस? आपका हाउस? अच्छा, डैडी क्या बना रहे हैं? क्यों डैडी? ये आप अपना आशियाना बना रहे हैं, अपना और पीहू का, पीहू के डैडी का और पीहू का ये आशियाना है ना। तो देखिए, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। बचपन में हम लोग थर्माकोल से बनाते थे, मुझे याद है कि हम लोग को वो प्रैक्टिकल में बनाना होता था, तो मैं थर्माकोल से बनाती थी। बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों ने बनाए हैं, तो आज ये मैं पीहू के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मुझे अपनी बातें भी याद आ रही हैं, मैं इनके डैडी से बोल रही थी, पीहू के डैडी से, कि हम लोग ने बचपन में इस तरह के हाउस क्रिएट किए हैं, बट वो थर्माकोल के होते थे, और आज हम लोग अपने बच्चे के लिए ये बना रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बताइएगा कॉमेंट करके कैसा लग रहा है आपको ये हाउस देख करके। एकदम बढ़िया आलीशान सा महल है, जैसे लग रहा है कि सपनों का महल सा कुछ ऐसा लग रहा है देख करके। बहुत सुंदर है, मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपका हाउस बन गया? बन गया। किसने बनाया? बनाया। तो अब डैडी को क्या करना चाहिए? आपका हाउस बनाया है तो डैडी को क्या बोलना चाहिए? तो बोलो फिर। तो डैडी, डैडी ने क्या बनाया है? आशियाना, सपनों का महल? उठा के दिखाओ डैडी को। चलो, वाह, पीहू की ड्रेस भी पिंक है और पीहू का हाउस भी पिंक है, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर प्यारा सा घरौंदा सा घर है, सच में एकदम ड्रीम हाउस लग रहा है। और मैंने सोचा था कि मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी, बट मैं चाहती थी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, फुल रेसिपी, तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं आगे का पार्ट जो है वो कल के व्लॉग में डालूंगी। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोग ज़रूर कल का व्लॉग देखिएगा, बहुत अच्छे समोसे बने थे और हम लोगों ने खा लिए हैं। अभी बस मैं एडिटिंग कर रही हूँ, रात
के 8:30 बज रहे हैं, हमारा डिनर हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करके ये सब बातें बता दूँ। घर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अब ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अपने कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में ज़रूर चेकआउट करिएगा, देखिएगा कल आपको समोसे की फुल रेसिपी मिलने वाली है जो कि बहुत यम्मी और टेस्टी बने थे। ये कितनी बारीकी से बनाया गया है छोटे छोटे चीज़ों को। ये है विंडो, ये है इसका गेट, फ्रंट गेट है, और ये गमले लगे हुए हैं, प्लांट्स लगा हुआ है, और आपको बालकनी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, तो ये है इसकी विंडो, यहाँ पे गमले लगे हैं, ये बालकनी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है ये। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज इसको पूरा बना ही देते हैं। और ये है पीछे का बैक का गेट, देखिए बैक में भी कितनी सुंदरता से एकदम बहुत सुंदर क्रिएट किया गया है। तो आज पीहू का ये छोटा सा हाउस जो है डेकोरेशन हाउस वो हम लोगों ने बनवा दिया, और पीहू बहुत हैप्पी है ना पीहू। हाँ। अब इसे क्या करोगी करोगी पीहू? सजा दोगी। सजा दोगी? हाँ। सुंदर है। हाँ। चलो ठीक है।